सबसे पहले गाइज आप लोग यहाँ पर प्रूफ देखिए, यहाँ पर दोस्तों इस चैनल के द्वारा यहाँ पर $2800 से लेकर $44,000 मंथली अर्निंग की जा रही है। और दोस्तों अगर हम इनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो दोस्तों लगभग 5 लाख रुपए यहाँ पर निकल कर आता है। आप लोग सोच सकते हैं कि कोई चैनल इतना ज्यादा पैसा किस तरीके से कमा सकता है, वो भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, ना आपको अपना फेस दिखाना, ना आपको वॉइस एड करनी है। और ये चैनल इसी तरीके से यहाँ पर लाखों रुपए अर्न करना है मंथली। और आप लोग किस तरीके से कर पाएंगे वो मैं आपको इजी टिप्स इस वीडियो में बताने वाली हूं। आपको फेस और आपको अपनी वॉइस बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, आप लोगों को सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपनी वीडियो को रेडी करना है और सिंपली YouTube पे अपलोड करना है और आप लोग भी मिलियंस में व्यूज गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा जबरदस्त कंटेंट लेके आई हूं जहां पर दोस्तों आप लोग लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं और आप लोगों को बिना मेहनत किए सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपको यहां पे काम करना है। अगर दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं YouTube से पैसा कमाना तो दोस्तों आप लोगों का ख्वाब ये सच होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेते हैं तो आपको एक ऐसा तरीका पता लगेगा जहां पर दोस्तों सिर्फ कॉपी पेस्ट करके लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप लोग इस टिप्स को जानते ही नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू वॉच करना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। आज जो मैं आपको कंटेंट बताने वाली हूँ ये दोस्तों हर एक प्लेटफॉर्म पे चलने वाला कंटेंट है, यहाँ तक कि दोस्तों आप ये लोग इसको यूट्यूब पर तो डालेंगे ही, साथ साथ आप इसको फेसबुक पर भी डाल सकते हैं और साथ साथ आप इसको इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हैं और आप लोग वहां से हर जगह हर प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हैं और कहीं से भी कहीं तक आपके पास कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, कॉपीराइट का बिल्कुल ही झंझट खत्म। आपको वीडियोस कहाँ से डाउनलोड करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्रोसेस आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम करते हैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन। और दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं कि आप लोगों को बिल्कुल ही बेफिक्र होकर काम करना है। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है YouTube पे, ठीक है। YouTube पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सेटिस्फाइंग वीडियोज। जैसे ही आप सेटिस्फाइंग वीडियोज सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी सेटिस्फाइंग वीडियोज आ जाएंगी। आप काफी लोग नहीं जानते होंगे कि सेटिस्फाइंग वीडियोज क्या होता है। जो आप लोग ये इंस्टाग्राम वगैरह पे इस तरीके की वीडियोज डालते हैं जिनमें सिर्फ वॉइस होती है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ होता है, अदरवाइज उसमें कुछ नहीं होता या रियल साउंड होता है, अदरवाइज उसमें किसी की आवाज नहीं होती है। बाकी दोस्तों आप देखेंगे तो यहां पर आप लोग व्यूज देख सकते हैं, काफी ज्यादा व्यूज इन वीडियोस पे आते हैं। ये देखिए 3 महीने पहले ये वीडियो अपलोड की गई और इस पे 29 लाख व्यूज है वो आ चुके हैं। 2 दिन पहले ये वीडियो अपलोड की गई, 70,000 व्यूज इस वीडियो पे आ चुके हैं। 6 महीने पहले ये वीडियो अपलोड की गई, इस पर 73 लाख व्यूज आ चुके हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस कंटेंट पे कितना ज्यादा व्यूज मिलता है और जब आपको व्यूज मिलते हैं तो आपको उसी व्यूज के पैसे मिलते हैं, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक चैनल ओपन करके दिखाती हूँ। इस चैनल को ओपन करते हैं और आप लोग देख सकते हैं आपकी नजर के सामने ऑडली सेटिस्फाइंग। मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाती हूँ, बिना प्रूफ के मैं आपके साथ बात नहीं करती हूँ। सिर्फ इस चैनल पे 47 वीडियोज पड़ी हुई है और अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो यहाँ पर 22 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यहाँ पर 23 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पे जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग किसी और कैटेगरी में सिर्फ 47 वीडियोस डाल के आप लोग 22 लाख सब्सक्राइबर्स कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों इम्पॉसिबल है ये काम। सिर्फ इस कैटेगरी में आप लोग इतनी ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियोस पे चलते हैं। वीडियोस पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं 5 दिन पहले वीडियो डाली गई, 78,000, 81,000, 77,000, 41,000 इस तरीके से इस पर व्यूज आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पॉपुलर वीडियोज पे चलते हैं। जैसे ही पॉपुलर वीडियोज पे जाएंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पर 88 लाख, 63 लाख, 57 लाख, 39 लाख, 26 लाख इस तरीके से आपको यहाँ पर व्यूज नजर आएंगे। मिलियंस ऑफ व्यूज आपको इस कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ये वाली वीडियोस हमें कहां से लानी है। आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग इस तरीके की वीडियोस तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप अपना इतना बड़ा चैनल खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इस चैनल की अर्निंग दिखाती हूँ कि इस चैनल पर कितना ज्यादा पैसा कमाया जाता है। यहाँ से कोई एक वीडियो प्ले कर लेते हैं और वीडियो प्ले करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। काफी लोग मतलब ये सोचते हैं कि ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। यहाँ पर देखिए थैंक्स का जो बटन है
वो यहाँ पर मिला हुआ है। आप लोग जानते हैं कि सुपर थैंक्स का ऑप्शन उसी को मिलता है जिसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इस वीडियो पे ऐड भी आ रहा है और यहाँ पर देखिए इस वीडियो पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी मिल चुका है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये चैनल मोनेटाइज है और आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है कि ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं, 100% आपके चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। अब आपको बात करते हैं कि इसकी अर्निंग की, कि ये चैनल आखिर कितना पैसा कमाता है और इस कैटेगरी में आपको कितना ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग $2800 से लेकर $44,000 तक ये चैनल मंथली अर्निंग कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर $2800 है और बाद में दोस्तों यहाँ पर लास्ट है इसका $44,000 है। सिर्फ यहाँ पर हम $5000 लेंगे, वो भी हम दोस्तों यहाँ पर एक मतलब अपने मन से, ठीक है, ज़्यादा हम इसका $44,000 नहीं लगाएंगे, $2800 नहीं लगाएंगे, इसके बीच का मिनिमम डॉलर ऐड करेंगे सिर्फ 5000। अब दोस्तों यहाँ पर हम $5000 को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 5000, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर $5000 सिर्फ लिखा है, उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर इसकी अर्निंग 4,89,000, मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि $5000 लगभग 5 लाख रुपए ये चैनल मंथली कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग के आंखों के सामने रिजल्ट है, 4 लाख से ज़्यादा है, 4,89,000 ₹15 यहाँ पे अर्निंग इसकी एस्टिमेटेड रिवेन्यू है वो है मंथली का। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर आपको क्या करना है और ये वीडियो आपको कहाँ से लेनी है, किस तरीके से एडिट करना है ताकि कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको आखिर ये वीडियोस कहाँ से लेनी है। तो दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम तो यूज़ करते ही हैं, सिर्फ आप उस पर रील्स देखते हैं और रील्स देखने के अलावा आप लोग अगर सही दिमाग का उपयोग करके आप लोग यूट्यूब पर अपलोड करेंगे कुछ चीज़ें जो कि कॉपी पेस्ट करके, तो आप लोग वहाँ से काफ़ी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको सर्च आइकन पे जाना है। जैसे आप सर्च आइकन पे जाएंगे यहाँ पे आपको सर्च करना है सेटिस्फाइंग वीडियोज़। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे सेटिस्फाइंग वीडियोज़, तो दोस्तों आपके सामने देखिए बहुत सारी सेटिस्फाइंग वीडियोज़ आ चुकी हैं। यहाँ से मान लीजिए हम इस वाली वीडियो को प्ले करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिर डाउनलोड किस तरीके से करना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिंक का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको कॉपी लिंक कर लेना है। जैसे आप कॉपी लिंक कर लेंगे आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सर्च करना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो नीचे आपके सामने यहाँ पे वीडियो डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियोस यहाँ पे आपको आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको लिंक डालना है। लिंक डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। आपकी गैलरी में सिंपली वीडियोज़ हैं वो डाउनलोड है हो जाएंगी, ठीक है। आप दोस्तों जब आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे वीडियोस को, तो आपको एडिटिंग किस तरीके से करनी है वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से आपकी वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप मान लीजिए चलते हैं हम लोग बैक, ठीक है। आप लोग यहाँ से जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए, आप लोगों को उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ काइनमास्टर, जो कि दोस्तों बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोग यहाँ पे काइनमास्टर से वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपकी वीडियो वाइज बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की एडिट होती है। और यहाँ पर हम चलते हैं काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। आप लोग चाहें तो VN से भी एडिट कर सकते हैं, या आपको जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर बढ़िया लगता है आप उससे कर सकते हैं। यहाँ से हम काइनमास्टर पर आ चुके हैं। काइनमास्टर पर आने के बाद आपको करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और आपको अपना YouTube वाला रेशियो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि 16:9 है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या करना है, जो आपने डाउनलोड की थी वीडियो आपको सिंपली वो वीडियो डायरेक्ट यहां पर नहीं ऐड करनी है। आपको सबसे पहले एक प्रोसेस अपनाना है, वो क्या है, यहां पे जाना है आपको इमेज असेस्ट पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड है वो आ जाएंगे। तो आप लोग यहां पर बैकग्राउंड देख सकते हैं, तो यहां से आपको जो भी आपका फेवरेट बैकग्राउंड हो आप लोग वो कलर यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर हम व्हाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। व्हाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है उस हिसाब से आपको इसको आगे बढ़ा देना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। यहां से हमने इसकी लेंथ ज्यादा कर ली। अब आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसा कि आपको लेयर का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको मीडिया का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको जो वीडियो आपने डाउनलोड की थी
आपको वो वीडियो यहाँ से ले लेनी है। तो यहाँ से दोस्तों हमने दो वीडियो डाउनलोड करके रख ली है पहले से ही, और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वो वीडियो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरीके से इस वीडियो को ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है इस वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देना है। ऐसे करके आप जूम करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देंगे। जब आप इसको सेट कर देंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके से आ गया। उसके बाद जब ये वीडियो लास्ट होने वाली है उसके बाद हम यहाँ पे फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो दूसरी वीडियो हमने डाउनलोड की है उसको ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से जूम कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम जूम कर देंगे तो आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो है वो आ चुकी है। एक्स्ट्रा जो आपका पार्ट है उसको आप कट कर दीजिए, यहाँ से आपको क्लिक करना है और कैची वाले ऑप्शन पर जाना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका कट कर देना है इधर का पार्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी इतनी वीडियो रेडी हो चुकी है। अब रेडी होने के बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका कोई रियल साउंड नहीं है, इन्होंने सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया है। और सेकंड वाली वीडियोज में देखते हैं, इसमें इनका रियल साउंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें पूरी वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक रखना है जो आपकी इसकी जो आवाज है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना है। जैसे ही आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन नजर आ रहा है, उसके पास आपको यहाँ पे पूरा साउंड है उसको म्यूट कर देना है। ऐसे ही हम सेकंड वाली वीडियो पे जाएंगे, सेकंड वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्पीकर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसका साउंड भी म्यूट कर देना है। जैसे आप इनका साउंड म्यूट करेंगे तो इनमें देखिए कोई भी साउंड है वो नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी तरफ से लगाना है जो कि एक कॉपीराइट फ्री हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाना है। ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास अभी यहाँ पे कोई भी मैंने सॉन्ग डाउनलोड नहीं किया है। आप लोग एक कॉपीराइट फ्री यहाँ से आप कोई सा भी बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लीजिए अपनी गैलरी से। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा या आप लोग यहाँ पर आईडी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके वीडियो के बीच में, ठीक है, यहाँ पर हमने वीडियो पर क्लिक किया, कैची वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से हम बीच में क्लिक करेंगे और इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने बीच बीच के पार्ट यहाँ से किए कट, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनमें थोड़ा सा एडिटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि इन एनिमेशन हो गया तो यहाँ से पॉप करके लगा दिया, या स्लाइड राइट करके लगा दिया, या इस तरीके से लगा दिया। जैसे हम देखिए अब चला के मैं आपको दिखाती हूँ कुछ वीडियोस, तो देखिए इस तरीके से आपकी वीडियो प्ले होगी और यहाँ से मैंने कुछ इफेक्ट लगा दिया है। देखिए इस तरीके से आपको अपनी वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत इफेक्ट है वो लगा देना, जिससे क्या होगा आपकी वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं आएगा। और अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है, ऊपर आपको यहाँ पे मीडिया के ऊपर एरो आ रहा है बना हुआ, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 1080 आ रहा है, 1080 पे कीजिए। फुल क्वालिटी में करेंगे तो आपकी वीडियो बिल्कुल HD में रहेगी, अगर आप इसको हाफ पे करते हैं तो आपकी वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी में रहेगी। और यहां पे क्या करना है, सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एज वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आपका जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होने लगा है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से आप लोग कॉपी पेस्ट करके सिर्फ इंस्टाग्राम से आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके थोड़ा सा एडिटिंग करके आप लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं और 100% आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप लोग भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।